नमस्कार दोस्तों, आप सबके बीच आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए सशक्त बल में प्रवेश की अनुमति दी है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए सऊदी अरब, बी नेपाल, सी चीन, डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? गोवा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी। इसका आंसर हो जाएगा ए गोवा। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर की उत्पत्ति किस देश में हुई है? अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में अपना बहुमत साबित न करने के कारण कांग्रेस समर्थित सरकार गिर गई? लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार के पास राज्य को बनाने की शक्ति है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के अनुसार महिलाओं को अपने पति की पैतृक संपत्ति का सहस्वामित्व अधिकार मिलेगा? केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 200 बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट करने वाला पहला गेंदबाज कौन है? ए जे बुमराह, बी आर अश्विन, सी जहीर खान, डी रोजर बिनी। इसका आंसर हो जाएगा आर अश्विन। अगला क्वेश्चन है, गोवा को भारतीय गणराज्य में किस वर्ष विलय किया गया? 1959, 1961, 1987 या 1949 में? इसका आंसर हो जाएगा बी 1961 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप का स्वदेशी विकल्प क्या है? ए कुएप, बी संदेश ऐप, सी किक ऐप, डी कीबेस ऐप। इसका आंसर हो जाएगा बी संदेश ऐप। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी ऑन एकेडमी में बहुराष्ट्रीय साझेदारी के तहत रणनीतिक प्रवेश किया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सौरभ गांगुली। इसका आंसर हो जाएगा ए सचिन तेंदुलकर।